टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के दारुल फलाह मस्जिद के टाइम में बदलाव को लेकर सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने आई थी। इस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि मस्जिद बंद रहती है, लाइट पंखे सब बंद रहते हैं, मगर वहीं दारुल फलाह मस्जिद के जिम्मेदार मौलाना वहाब कासमी साहब ने बताया है कि मस्जिद हमेशा खुली रहती है। सिर्फ दोपहर 12:30 बजे मस्जिद का गेट खोला जाता है और नमाज पढ़ने के बाद 2:30 बजे मस्जिद का गेट बंद किया जाता है, क्योंकि उस वक्त खाना खाने के लिए जाया जाता है, इसलिए बंद करते हैं। और उसके बाद फिर जब मस्जिद का गेट खुलता है तो वो खुला रहता है। इसके अलावा मौलाना वहाब कासमी साहब ने ये भी बताया कि मस्जिद के शहर में भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ भी काफ़ी जगह है, वहाँ भी लाइट पंखा हमेशा चालू रहता है। रही बात मस्जिद के अंदर की, जब वहाँ कोई रहता है तो लाइट पंखा चालू रहता है और नहीं रहने पर लाइट पंखा बंद कर दिया जाता है। दारुल फलाह मस्जिद हमेशा खुली रहती है, आप आएँ, नमाज पढ़ें और मस्जिद के बारे में किसी भी तरह की कोई भी गलत फहमी लोगों में ना फैलाएं। दारुल फलाह मस्जिद के ज़िम्मेदार मौलाना वहाब कासमी ने जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया में सामने आई उसके बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। मौलाना साहब, दारुल फलाह मस्जिद के टाइम टेबल को लेकर सोशल मीडिया पर उसको क्या कहेंगे आप कि वाकई में दारुल फलाह मस्जिद का जो है टाइम टेबल कुछ बदली हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। टाइम टेबल वो कोरोना के टाइम पे बदला था, अभी तो मस्जिदें खुल गई हैं और दारुल फलाह भी बाज़ाब्ता उसमें अब नमाज़ होने लगी है, कायदे से नमाज़ होती है और टाइम टेबल से ही होती है नमाज़, लोग आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो हम लोगों ने देखा कि एक साहब हैं जो मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मस्जिद बंद हो जाती है, पंखा बंद हो जाता है। तो भाई, मस्जिद और मदरसे का एक निज़ाम होता है, निज़ाम के तहत चलता है। मस्जिद कोई मुसाफिर खाना तो रहती नहीं है कि भाई कोई भी आए हरदम खुला रहे। एक निज़ाम के तहत दारुल फलाह की जो ट्रस्टियान हैं वो कायदे से मशवरा करते हैं, वो एक निज़ाम बनाए हैं, उसी निज़ाम के तहत मस्जिद चल रही है। माशाल्लाह मस्जिद खुली रहती है और 12:30 बजे मस्जिद खुलती है। मस्जिद का मेन गेट, जो मेन अंदर का जो हिस्सा है, 12:30 बजे खुलता है और नमाज होने के बाद 2:30 बजे वो बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं? तो 2:30 बजे के बाद लोग आते हैं और वॉचमैन वगैरह जो रहते हैं वो खाने होने के लिए जाते हैं तो मस्जिद बंद करते हैं। इतनी बड़ी मस्जिद है, उसमें एसी लगी हुई है, बेहतरीन कालीन है और लोग वहाँ आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, पंखा चालू करते हैं, सो जाते हैं। तो कोई भी मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। भाई, मस्जिद सोने की जगह तो है नहीं, मस्जिद इबादत की जगह है ना, मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है, ये तो सारे मुसलमान जानते हैं। अब वहाँ आदमी जाएगा, सोएगा, तो इंतज़ामिया तो कुछ ना कुछ करेगी ना। फिर भी दारुल फलाह सुबह 4:00 बजे यासीन भाई आते हैं, मस्जिद का दरवाज़ा खोलते हैं, सहन इतना बड़ा है उसमें 300 लोग नमाज पढ़ सकते हैं और सहन के ऊपर पतरा खूबसूरत लगा है, पंखा लगा है, आदमी आए नमाज पढ़े, वजू खाना खुला रहता है, जब चाहो वजू करो। और यहाँ तक कि पेशाब खाना जो है वो दारुल फलाह का हमेशा खुला रहता है, जो मार्केट वाले मुसाफिर लोग आते हैं वहाँ कज़ाए हाजत करते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब कोई आदमी कहे कि भाई हमारे लिए मस्जिद खोल दी जाए, तो आप और मस्जिदों को देखते होंगे, जोहर की नमाज़ ख़त्म हुई, आधे घंटे के बाद बंद हो जाती है, ना वहाँ वजू करने का, यानी मेन दरवाजे पे ताला लग जाता है, ना आप वहाँ वजू कर सकते हैं, ना इस्तिंजा कर सकते हैं, ना नमाज़ पढ़ सकते हैं। और दारुल फलाह तो माशाल्लाह 24 घंटा बस रात में वही जो वक्त होता है बंद होने का वही बंद होती है, बाकी कोई भी आए, आदमी आए, नमाज़ पढ़े, वजू करे, जो चाहे करे। लाइट पंखा सब बंद कर दिया जाता है, ऐसा वीडियो में कहा जा रहा है। लाइट पंखा जब मस्जिद में कोई नहीं रहेगा तो लाइट पंखा क्यों चलाया जाएगा? जब नमाज होती है एसी चलती है, एसी में लोग नमाज पढ़ते हैं। और दारुल फलाह के जो मुक्तदी हैं, जो मुसल्लियान हैं, आप उनसे पूछिए वो लोग कितने खुश होते हैं। और इतनी खूबसूरत मस्जिद थाने ज़िले में भी नहीं पाएंगे आप, इतनी बेहतरीन मस्जिद और इतना अच्छा इंतज़ाम, साफ़ सफाई का इंतज़ाम, सारी चीज़ें उसमें मुहैया हैं। अब अगर कोई आदमी इस तरह की बातें करे कि मस्जिद में ऐसा होता है, वो मौलाना वैस कौन है,
वो नाजिम कौन है, इस तरीके से अच्छा नहीं लगता ना। वो मस्जिद के इमाम है, मदरसे के वो नाजिम है, अच्छे आलिम है, नेक आदमी है, इस तरह से बात करना, वो मोटा आदमी वो बंद करवाता है, तो गलत चीज़ें हैं, इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर सोशल मीडिया पर अपनी मस्जिद, अपना मदरसा, अपनी इबादतगाहें, ये सब डालना ही नहीं चाहिए, ये सब गलत चीज़ है, लोग भी नहीं पसंद करते हैं। आज मुंबरा के लोग भी यही जो जो वीडियो देखते हैं वही तबसरा करते हैं, यार ये सब गलत चीज़ें हैं। और रही बात मस्जिद की मदरसे की इबादतगाहों की खबरें डालना, तो मैं बहुत ही मुअद्दिबाना अंदाज से आप सहाफ़ी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि किसी भी मस्जिद, किसी भी इबादतगाह की बात हो, अगर इस तरह की कोई बात रहे, कोई वीडियो रहे, तो थोड़ा ज़िम्मेदारान से पहले पूछ लें, ज़िम्मेदारान से पहले देख लें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद डालें तो अच्छा है, क्योंकि आप हजरात के अंदर दीन का जज्बा है। सहाफ़ी लोग भी, मैंने जितने सहाफ़ियों को देखा है, सब दीन की कदर करते हैं और उलमा की कदर करते हैं। इस हिसाब से आप हजरात थोड़ा सा इस पर तवज्जो देंगे तो इस तरह की बातें चौराहों पे, नुक्कड़ों पे नहीं होंगी।